नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। आज मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच आईपीएल का नवा मैच खेला गया। यह मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित के 32, क्विंटन डीकॉक के 40 रन और आखिरी ओवर्स में पोलार्ड के शानदार बल्लेबाजी के बदौलत 151 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। आपको बता दूँ कि इस मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज कैरन पोलार्ड ने शानदार बल्लेबाजी की और आईपीएल के 14वें संस्करण का अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाया। उन्होंने मुजीबुर रहमान को 105 मीटर का छक्का जड़ा और उन्होंने 35 रनों की शानदार पारी खेली। साथ ही आखिरी ओवर के आखिरी दो गेंदों पे भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने दो लगातार छक्के जड़े और टीम को एक अच्छी स्थिति में ले गए। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम के लिए वार्नर और बैरिस्टो ने 7.2 ओवरों में पहले विकेट के लिए शानदार 67 रन जोड़े। वार्नर ने 36 रन बनाए, वहीं बैरिस्टो ने 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 43 रन ठोके। विजय शंकर ने भी 28 रन जड़कर टीम को जीत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुंबई आखिरकार इस मुकाबले में जीतने में सफल रही। आपको बता दूं कि हैदराबाद की टीम 137 रनों पर सिमट गई। 19.4 ओवरों में 137 रनों पर हैदराबाद की टीम ऑल आउट हो गई। बोल्ट और चहर ने मुंबई के लिए 3-3 विकेट चटकाए। इस मैच में आकर्षण का केंद्र रही काव्या मारन। दरअसल मुंबई के बल्लेबाजी के दौरान जब चौके या छक्के लगते थे तो यह मिस्ट्री गर्ल उदास सी लगती थी, लेकिन विकेट गिरने पर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। दरअसल काव्या मारन हैदराबाद की मालकिन निधि मारन की बेटी है। आपको बता दूं कि कैमरामैन ने काव्या मारन के एक्सप्रेशन और एक्टिविटीज़ को फोकस में रखा था। मैच में पोलार्ड को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर आपको इस खबर को विस्तार से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस खबर को पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।